हेलो एवरीवन, मेवाड़ी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डेली डोज के अनुसार अपन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग का जो अगला चैप्टर है वो है एमसी एंड ओवेरियन साइकिल एंड यूटराइन साइकिल। जो तीन पैरामीटर है, माइनर से टॉपिक है, आपके सामने मैंने पुट किए है गायनेकोलॉजी यानी ओबीजी नर्सिंग के अंदर। सेकेंड डे है अपना और हमारी क्लास 8 बजे लाइव, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो कल से हमने गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट की है और इसी के अंदर आज एमसी के फुल फॉर्म है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड यूटराइन साइकिल। जो ओवरीज है उनके अंदर साइकिल कैसे होती है और यूट्रस के अंदर साइकिल किस प्रकार से क्या होती है, तीनों को अपन मिक्स में एक ही डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है उसको शुरू करने से पहले पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। क्या अपने जो मेहनत करने की जो एनर्जी है, जो आप संघर्ष कर रहे हो, तो उसको अपना जुनून बना लो और वो जुनून कब तक बनाना है, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे, यानी जब तक तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाओ तब तक इस जुनून को अपनाओ और हमेशा संघर्ष करते रहो और मेहनत करो। कहा गया है कि मेहनत सफलता की वो चाबी है जिससे हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं और आज की क्लास को हम कैरी ऑन करेंगे। मेवाड़ी नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। ये इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम पुट किया है और डायग्राम के अंदर आपको मैं जैसे बता दूं, पहला 1 डे से अपन शुरू करते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी है उसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, वो कब से लेके कब तक होती है, तो वो यहाँ पे बता रखा है कि 1 डे से लेके 6-7 डे तक, 7 डे तक यहाँ पे दे रखा है। और फर्टाइल जो पीरियड है, पहला है मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो 1 से लेके 7 डे तक होता है। और फिर फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन का जो मोस्ट कॉमन टाइम है वो होता है 8 से लेके 19 दिन, और उसमें से भी जो 14वां दिन है वो मोस्ट कॉमन फर्टाइल है, मतलब ओव्यूलेशन इसी दिन होता है। 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन यानी ये ओवरी है, इस प्रकार से ये ओवरी है, यहाँ से ओवम रिलीज होगा और इसका रिलीज होना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है, ओजेनेसिस वाली क्रिया इसके अंदर होती है और इससे यह ओवम आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला वाले पार्ट में जाके बैठ जाएगा। और 8 से लेके 19 का जो दिन होता है वो आपका फर्टाइल दिन होता है। और इनफर्टाइल को बोलते हैं अपन सेफ पीरियड। और सेफ पीरियड कौन सा होता है, 20 से लेके 28 डे, मतलब किसी की अगर एमसी 28 दिन की है तो उसको 20 से लेके 28 डे इसमें कंसिडर करते हैं। इस प्रकार से इस पिक्चर्स को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और अगला एक पिक्चर और है, ये इस प्रकार से दे रखा है, डायग्राम में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये इस प्रकार से जो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है वो मैंने यहाँ पे पुट की है। ये 7 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। फिर ओव्यूलेशन होता है 12 से लेके 16 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है। 12वें दिन हो सकता है, 13वें दिन हो सकता है, 14वें दिन, 15वें दिन और 16वें दिन यहाँ तक। और ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज है वो होती है 14 दिन के बाद, 15वें दिन से स्टार्ट होती है और 28 दिन तक खत्म हो जाती है। और जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होगा उसके अंदर जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, मतलब लाइनिंग टूटने लग जाएगी और मेंस्ट्रुएशन इसमें अकर होगा, मतलब जो आपकी एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो जड़ने लग जाती है। और फिर छठे दिन क्या होगा कि यूट्रस लाइनिंग थिकेंड अगेन,
मतलब यूट्रस जो कि जो लाइनिंग है जो अंदर वाली एंडोमेट्रियम है वो वापस रिपेयर होने लग जाएगी और थिक यानी मोटी होने लग जाएगी, और मोटी होगी 6 से लेकर 7, 8, 9 और 10वें दिन तक, मतलब 4 दिनों 5 दिनों के अंदर ये रिपेयर होगी। और ओव्यूलेशन अकर मतलब 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक का पीरियड जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसके अंदर ये ओव्यूलेशन अकर यूजुअली ऑन डे 40, मतलब 14वें दिन यह ओव्यूलेशन होगा। फिर आता है 19 से लेकर 28 दिन, इसके बीच में यूट्रस लाइनिंग कंटिन्यूस टू थिकेन, मतलब यह मोटी होती रहेगी, मोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और 28वें दिन सबसे मोटी हो जाएगी, और फिर पहले दिन ये थिकेंड होकर ब्रेक डाउन हो जाएगी, यह जो लाइनिंग है वो जड़ जाएगी। ये इस प्रकार से यह मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है। अब जो पहला जो हमारा टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी, इसके अंदर जो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सीधा से लिखा है कि सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस एंड ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल। मतलब सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस, ये एक प्रकार की सीरीज है जिसमें नेचुरल चेंजेस होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन के कारण, हार्मोन प्रोडक्शन के कारण नेचुरल चेंजेस देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस के स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का उसकी ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर भी चेंजेस अपन को देखने को मिलेगा, सीरीज एक सीरीज होगा एक सिक्वेंस होगा उसमें, और यूट्रस के अंदर भी यह चेंजेस देखा जाता है डेट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल। और जिसके एमसी स्टार्ट है वो लेडीज प्रेगनेंट प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, और ये इस प्रकार से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकती है, और इसी को बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और 1 से लेकर 28 दिन तक का यह पीरियड होता है नॉर्मली। और अगर एवरेज की जो रेंज है वो बात करें तो जो लोवेस्ट कैटेगरी है एमसी की वो है 21 दिन, मतलब 21 दिन तक की नॉर्मल एमसी को अपन नॉर्मल काउंट करते हैं, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो है 35 यानी 35 दिन, 35 दिन से ज़्यादा हो रही है तो हाइपरमेनोरिया, और 21 दिन से कम हो रही है तो सॉरी हाइपरमेनोरिया 21 दिन से कम मतलब मेमसी ज़्यादा आती है, और हाइपोमेनोरिया यानी 35 से ज़्यादा दिन के बाद में एमसी आ रही है तो हाइपोमेनोरिया, इस प्रकार से इसको कंसिडर करते हैं। फिर आता है ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल का अर्थ होता है कंट्रोल प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एग, मतलब ओवरी से रिलेटेड है, जो ओवरी है वहां से रिलीज ऑफ एग, जो एग रिलीज है उसका कंट्रोल होगा एंड प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन एंड साइकिल रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन है जो प्रोजेस्टेरोन है उसका सिक्वेंस, मतलब कब एस्ट्रोजन रिलीज करना है, कब प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना है, और कब एग यानी ओवम रिलीज करना है, इसका जो टाइम होता है एक सीक्वेंस होता है वो इस ओवेरियन साइकिल के अंदर अपन काउंट करते हैं। 14वें दिन ओव्यूलेशन होना है तो ऐसा नहीं कि 7वें दिन हो जाएगा, और जब एस्ट्रोजन को ज़्यादा बढ़ना है, एस्ट्रोजन को रिलीज होना है तब एस्ट्रोजन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज होना है तब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, और यही सिक्वेंस आपकी ओवेरियन साइकिल कहलाती है। अब लिखा है यूटेराइन साइकिल, तीनों पैरामीटर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवेरियन साइकिल यूटेराइन साइकिल तीनों में मेजर डिफरेंस है, और तीनों लगते हैं सेम लेकिन तीनों में मेजर डिफरेंस है, अभी बताऊंगा मैं। तीसरा है यूटेराइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल का अर्थ होता है गवर्न्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस वोम्ब टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग, मतलब इसके अंदर जो लिखा है यूटेराइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल का अर्थ होता है मेंटेनेंस ऑफ लाइकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसका मेंटेनेंस बनाए रखना। अपन सारा कुछ पढ़ते हैं एमसी के अंदर, लेकिन एमसी के अंदर भी ये सब टाइप है, मतलब ओवेरियन साइकिल अलग है, यूटेराइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल इट इज यूट्रस से रिलेटेड और यूट्रस की लाइनिंग से रिलेटेड, ओवेरियन साइकिल है वो ओवरी से रिलेटेड है और ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और ओवम रिलीज होता है, तो उससे रिलेटेड ओवेरियन साइकिल। और अब इसमें लाइनिंग से रिलेटेड मतलब एंडोमेट्रियम कब जड़ रही है, कब उसकी थिक हो रही है मतलब मोटाई हो रही है, कब थिन हो रही है, कब जड़ रही है, इस प्रकार से यह इसमें किया जाता है। और फर्टिलाइज्ड एग है वॉम्ब टू रिसीव,
मतलब जब से वो फर्टिलाइज एग वहां से रिलीज होता है और रिसीव होता है, वहां तक का जो पीरियड है वो यूटेराइन साइकिल के अंदर काउंट किया जाता है। अब आता है प्रोलाइफरेटिव फेज। प्रोलाइफरेटिव फेज एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने डिस्क्राइब में पुट किया है। पहला है एंडोमेट्रियम लेयर थिकेंड इन प्रोलाइफरेटिव फेज, मतलब प्रोलाइफरेटिव फेज के अंदर एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो थिकेंड हो जाती है। थिकेंड का मतलब मोटी हो जाती है। एंड इस फेज के अंदर रीबिल्डिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग होती है। मतलब रीबिल्डिंग का मतलब वापस बनाना, बनने लग जाती है, मोटी बनती है, रीबिल्डिंग होती है एंडोमेट्रियम की। और 6 से लेके 14 दिन, 6 से लेके 14 दिन का जो पीरियड होता है वो आपका प्रोलाइफरेटिव फेज कहलाता है। अब आता है ओव्यूलेशन मीन, मतलब ओव्यूलेशन का मीन क्या होता है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल्स, जो ग्राफियन फोलिकल्स है उसका रप्चर होना। फोलिकल्स क्या होते हैं? ओवम होते हैं एक प्रकार के, जो मेच्योर अवस्था में नहीं होते, इमेच्योर अवस्था में जो ओवम होते हैं वो मेच्योर अवस्था में तो ओवम कहलाते हैं, लेकिन इमेच्योर होते हैं तब वह फोलिकल्स के रूप में होते हैं, फोलिकल्स कहलाते हैं। और इन फोलिकल्स का रप्चर होना, ग्राफियन जो फोलिकल है उनका रप्चर होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। और ओवरी से ये रप्चर होके कहाँ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और ओव्यूलेशन अकर, ओव्यूलेशन कब होता है? तो 14 डे, मतलब 14वें दिन बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी उससे 14 दिन पहले, मतलब 14वें दिन। 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन गिनते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन के बिफोर 14 दिन पहले, मतलब 14 दिन पहले का पीरियड वही 14वें दिन हो गया। और बेस्ट टाइम प्रेगनेंसी अचीव, जो प्रेगनेंसी अचीव, प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो बेस्ट टाइम होता है वह 14वें दिन होता है, ये इसमें कंसिडर करते हैं अपन। अब आता है आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वायबल फॉर 12 से लेके 24 आवर, मतलब ओव्यूलेशन के बाद में जो आपका ओवम है वो कब तक जीवित रह सकता है? वायबल मतलब जीवित, रिमेन मतलब कब तक जीवित रह सकता है? 12 से लेके 24 घंटे तक। ओवम निकला वहां से वाइबल, बस सरवाइव कर सकता है अपने, मतलब लाइफ साइकिल, बड़ा लाइफ साइकिल 14 से लेकर 28 घंटे तक वह वहां पे सरवाइव कर सकता है। फिर आता है ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। एस्ट्रोजन का ब्लड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन होना किसको इंडिकेट करता है? ओव्यूलेशन को। पॉजेस ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन होगा तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ा मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही है, बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छा है। LH इंक्रीज 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, दोनों ही हॉर्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत काम आते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो चार हॉर्मोन है उनसे प्रेगनेंसी मेंटेन भी होती है और प्रेगनेंसी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन चार को डीपली पढ़ना पड़ेगा और इन चार को पढ़ने के बाद में आपको इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है प्रेगनेंसी की, ओव्यूलेशन से रिलेटेड, ग्राफियन फोलिकल कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से क्या होता है, किस वजह से होता है, ये सारा का सारा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा 24 घंटे पहले, ओव्यूलेशन के पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा। एक तो ये प्रोलाइफरेटिंग फेज के अंदर ये इस प्रकार से पाया जाता है। होगा क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? ये आपका ब्रेन और ये आपका हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से एंटीरियर, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां पे ये अपना वर्क करते हैं। मतलब एलएच हार्मोन है और एफएसएच हार्मोन है, मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके लिए मेन जो हार्मोन वो है कौन सा एरिया,
उसको प्रोड्यूस करने के या सिक्रेट करने के लिए जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस, हार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का हार्ट किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। हार्ट ऑफ एंडोक्राइन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन को रिलीज करने वाला हाइपोथैलेमस होता है, कमांड होता है एक प्रकार का। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय सेक्रेशन ऑफ LH। मतलब है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ओव्यूलेशन फेज के अंदर ओव्यूलेशन किस कारण से होता है? कि LH हार्मोन के सेक्रेशन के कारण। पहले जो लाइन बताई वही यहाँ पे है, सेम टू सेम है। लुटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ही ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, ओव्यूलेशन फेज में। अब आता है LH एंड FSH बोथ सिक्रेट बाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो दोनों कहाँ से सिक्रेट होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कमांड देगा? हाइपोथैलेमस। तो जिम्मेदार कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन या इंड्यूस्ड ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन को इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब जबरदस्ती ओव्यूलेशन करवाना, उसके लिए जो ड्रग दी जाती है पेशेंट को, और उसके जो ड्रग ऑफ चॉइस है इस डिजीज के लिए, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग, क्लोमिफेन सिट्रेट। इसको देने के बाद में ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है। और नॉन स्टेरॉइड ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड इसमें बिल्कुल नहीं होता है। और अगले लाइन में लिखा है, इसी ड्रग के लिए लिखा है, इफ वुमन ट्रीटेड विद दिस ड्रग, मतलब इस ड्रग से अगर वुमन को ट्रीट किया गया है, बिकम प्रेग्नेंट देन मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ, मतलब इस ड्रग का जो रिस्क फैक्टर है मेजर, अगर कोई वुमन इसका सेवन कर रही है, ड्रग को ट्रीटेड मतलब लिया है, तो इसका जो मेजर रिस्क फैक्टर है कैन कोज, ये लिख रखा है मैंने कि दिस ड्रग दैट कैन कोज इंक्रीज इंसिडेंस मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंस पहले हुई है तो बाद में वापस प्रेग्नेंट होने के चांस रहते हैं, ये इसका रिस्क है इस ड्रग का, क्योंकि ये ओव्यूलेशन जल्दी जल्दी करवाता है। और ओव्यूलेशन कराएगा, क्लोमिफेन सिट्रेट है जो ड्रग है, ओव्यूलेशन कराएगा तो प्रेगनेंसी में भी पॉसिबल। इस प्रकार से यह ड्रग वर्क करती है। अब आता है फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए अपन फर्न टेस्ट करते हैं। फर्न टेस्ट के अंदर अपन ओव्यूलेशन का जो डे है वो गिनते हैं, उसके बाद में अपन जिस प्रकार से पीवी करते हैं उसी प्रकार से अपन को वेजाइना में अपनी टू फिंगर इंसर्ट करनी है, और जो अंदर से म्यूकस निकलता है उसका टेस्ट किया जाता है, और इसी को बोलते हैं फर्न टेस्ट। उसमें पता चल जाता है ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ। फिर अब आता है MC मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो नॉर्मल MC को क्या बोलते हैं? यूमेनोरिया, यूटोशिया, यूपनिया यानी रेस्पिरेशन नॉर्मल, यूपनिया, यूटोशिया, लेबर, नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं? यूटोशिया। इसी प्रकार से नॉर्मल MC है उसको यूमेनोरिया, मेनोरिया मतलब MC से रिलेटेड, और यू यानी नॉर्मल, और डिसमेनोरिया होगा तो MC के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी, डिस्पनिया होगा तो रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत आएगी, और डिस्टोशिया होगा मतलब लेबर के अंदर प्रॉब्लम आएगी, एबनॉर्मल लेबर होगा। तो इस प्रकार से अपन कंसिडर करते हैं। अब आता है मेनार्च, मेनार्च क्या होता है? स्टार्ट ऑफ फर्स्ट MC, जो फर्स्ट MC लेडीज की स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मेनार्च। और यह स्टार्ट कब होती है? 13 साल की एज में फर्स्ट MC स्टार्ट होती है और उसको अपन बोलते हैं मेनार्च। और MC जब 45 ईयर की जो एज होती है वुमन की, उस पर यह MC वापस आना बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मतलब 45 ईयर की एज। अब आता है 13 ईयर एज MC स्टार्ट, मतलब MC जो स्टार्ट होती है वो 13 साल की एज में होती है, रिपीट इन 28 डेज, मतलब वापस रिपीट कब होगी ये 28 डेज के अंदर।
रेंज रेंज की पूछे तो मैंने पहले भी बताया कि 21 से लेके 35 दिन, 21 से लेके 35 डे जो एमसी का ड्यूरेशन होता है। 28 डे नॉर्मल काउंट करते हैं, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है, 21 दिन भी हो सकता है, 35 दिन भी हो सकता है, इसको नॉर्मल काउंट करते हैं। और अब लिखा है यहाँ पे हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो एमसी है उसको इनिशिएट करने का करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही कमांड आएगा और एमसी को यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा। हाइपोथैलेमस एक प्रकार का कमांडर है, कमांडर। ए मदर विद 9 month बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी, आइडियल टाइम फॉर सर्जरी, प्रोलाइफरेटिव फेज 6 to 14 day। मतलब स्पष्ट लिखा है कि ए मदर विद 9 month बेबी इज प्लानिंग, मतलब यही है कि 9 month की उसका बेबी हो चुका है, उसके बाद में प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की प्लानिंग के लिए जो आइडियल टाइम है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बच्चा भी हो गया, 9 month का बेबी है, उसके बाद में वह ट्यूबेक्टोमी के लिए आती है। अगर लेडीज ट्यूबेक्टोमी के लिए आती है तो उसको अपन ट्यूबेक्टोमी जो सर्जरी है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इसमें जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है फीमेल की उसको कट किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और ओवम को यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब के अंदर आने से रोका जाता है और उसको फर्टिलाइजेशन होने से रोके, बैरियर मेथड है एक प्रकार का, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो आइडियल टाइम ट्यूबेक्टोमी के लिए कौन सा होगा, तो 6 से लेके 14 दिन, और 6 से लेके 14 दिन का जो पीरियड है उसको बोलते हैं प्रोलाइफरेटिव फेज। प्रोलाइफरेटिव फेज कौन सी होती है, तो 6 से लेके 14 दिन, और इसी के अंदर अपन मोस्ट ट्यूबेक्टोमी की जाती है। तो ट्यूबेक्टोमी है वो 6 से लेके 14 दिन के अंदर की जाती है। और मैच्योर एग फॉर्म इन स्टेज ऑफ फॉलिकुलर स्टेज, फॉलिकुलर फेज के अंदर मैच्योर एग जो होता है वह फॉर्म होता है, मतलब बनता है। मैच्योर एग कब बनता है, फॉलिकुलर फेज के अंदर, फॉलिकुलर जो फेज होती है उसके अंदर मैच्योर एग बनता है। ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएट बाय FSH। ओवेरियन जो साइकिल है वह किसके द्वारा इनिशिएट होती है, FSH। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वह किससे, हाइपोथैलेमस से इनिशिएट हो रही थी, और यहाँ पे ओवेरियन जो साइकिल है वह किससे इनिशिएट होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये यहाँ पे देखिए, ये हार्मोन का नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और यहाँ पे देखे तो हाइपोथैलेमस है, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिशिएट कर रहा है, और यह इनिशिएट कर रहा है ओवेरियन साइकिल को। अब आती है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज की बात करें तो लाइनिंग सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय लुटेनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप कॉर्पस लुटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन हार्मोन। लाइनिंग सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड, मतलब इनको स्टिमुलेटेड करने का काम करेगा बाय लुटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब LH हार्मोन के द्वारा, और टू डेवलप कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम को भी प्रोड्यूस करेगा, और कॉर्पस लुटियम को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ये देखिए ओवेरियन जो फॉलिकल है स्टिमुलेट करने का काम तो कर रहा है लुटेनाइजिंग हार्मोन LH, और डेवलप कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम को डेवलप एंड प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और इसी को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज क्लास कैसी लगी, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपके जो टॉपिक था एमसी का ओवेरियन एंड यूट्रेन साइकिल का, वो इतना सा ही था, छोटा सा टॉपिक था, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेजर क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं, हॉर्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, और कब कौन सी साइकिल कब स्टार्ट हो रही है ये पूछ सकते हैं आपको, और इसमें इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है
और कहाँ से सिक्रेटरी फेज है, सिक्रेटरी फेज का मतलब क्या है, फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या है, सब पूछ सकते हैं आपको। ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टली और अच्छे से पुट किया है, तो आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद में अपनी स्टडी को डीप भी पढ़े और इससे भी पढ़े, दोनों ही पढ़नी है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।